नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं साउंड डिजाइन के बारे में, और साउंड डिजाइन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो है LFO, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। अब LFO है क्या चीज? आपने बहुत सारे डबस्टेप, स्क्रिलेक्स, डिप्लो, इस तरह के अलग अलग इन आर्टिस्ट के गाने सुने होंगे जिसके अंदर वॉबलिंग साउंड होती है, और आपको ऑलरेडी पता भी होगा वॉबलिंग साउंड, आपने नाम भी सुना होगा वॉबल करती हुई साउंड। तो वो किस तरह से क्रिएट होती है, जब बनेगी तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक साउंड सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने कोई भी एक ले लिया, लेट से मैंने ले लिया है GMS। नाइस, ठीक है, यहां गए, राइट क्लिक, पियानो रोल, ठीक है, इतनी लेते हैं। ठीक है, पैटर्न वन पे क्लिक किया, यहां आपके सामने है, रख दिया है, और इसको किया मैंने सिलेक्ट, फाइल, एक्सपोर्ट वेव। एक्चुअली मैं इसे एक्सपोर्ट कर क्यों रहा हूं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि LFO करेगा क्या। किसी भी सैंपल के ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं, किसी VST के अंदर अगर आपको LFO की कोई नॉब नजर आती है आप उसे भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको सैंपल किस तरह से LFO से वॉबल करवाएंगे वो बताने वाला हूं। तो कुछ भी मैंने यहां पर डिजाइन किया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां मैं गया वेव, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, और यहां पर मैंने लिखा है सिंथ, एंटर। ये जो सेटिंग्स है इसके बारे में भी आगे जाके पढ़ेंगे जब हम मास्टरिंग की बात करेंगे। चलिए, एक्सपोर्ट हो गया है, काफ़ी तेज़ हुआ, सिंथ उठाया, अंदर ले आए, ठीक है, ये पड़ी है, इसे उड़ा दिया, सुनते हैं, ठीक है, नाइस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ किया ऑल, ये GMS भी उड़ा देते हैं, ये सिंथ जो है इसे भी उड़ा दिया, और यहाँ हम क्लिक करेंगे। वैसे मेरे यहाँ पर नज़र ही आ रहा है सैम्पलर, अगर आपके नज़र नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और आप एक सैम्पलर ले लेंगे, यहीं कहीं होगा, देख लीजिएगा जहाँ भी होगा। तो एक सैम्पलर हम यहाँ लेंगे, अब इस पर किया मैंने क्लिक सिंपली, ये मेरा सेक्शन है जहाँ पर मैं कोई भी ऑडियो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल। मैं बाहर गया, मैंने सिंथ उठाया, उठा के मैंने रख दिया है अंदर, ठीक है, राइट क्लिक, पियानो रोल, रख दिया, ओके, पैटर्न वन यहां क्लिक कर दिया, यहां आ गया वही साउंड इसके अंदर आ गई है। अब मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इस पर किया क्लिक, ये इसका सेटिंग वाली विंडो आ गई है, यहां तीन ऑप्शंस दी गई हैं, मैं यहां क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं सेकंड वाली ऑप्शन पे क्लिक करता हूं बहुत सारी नॉब्स वगैरह आपको नजर आ रही हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां लिखा है LFO, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। अब यहां पर अलग अलग तरह की वेव है जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सबसे फ्लूइड सबसे स्मूथ होती है साइन सिंपल, तो हम यही रखेंगे, नहीं तो आप अपने हिसाब से ये सिलेक्ट कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। अब मैंने क्या किया, LFO वाली में यहां पर चार मेरे पास ऑप्शंस दी गई हैं, ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अमाउंट जो इसकी है वो मैंने कर दी फुल। इसके आप अगर आप लेके जाएंगे आप हिंट पैनल में देख सकते हैं, वहां सबके नाम भी आएंगे। इसके ऊपर मैं ले गया, देखिए हिंट पैनल लिखा है अमाउंट, इसे मैंने कर दिया फुल। आप देख रहे हैं जैसे मैं इसे बढ़ाता जा रहा हूं, फुल करता जा रहा हूं, वो उस साइन वेव के हिसाब से उसकी लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन जो होगी उसकी एक शेप क्रिएट करता जा रहा है। अब ये है मेरा अटैक, अटैक एनवेलप हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे, अटैक, डिके, सस्टेन, रिलीज वगैरह। फिलहाल मैं आपको बता दूं अटैक क्या है, जितना हम जीरो करेंगे उतना ही वो जल्दी साउंड पर इफेक्ट करेगा, जितना ही मैं लेट करूंगा उतना ही वो बाद में असर करेगा। आप यहां देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल जीरो कर दिया तो ये यहीं से चल पड़ा, मैंने थोड़ा आगे कर दिया तो वो धीरे 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 यहां से शुरू हुआ। ये एग्जैक्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये है मेरा प्री डिले, मेरा इफेक्ट शुरू होने से पहले कोई टाइम, अगर मैं इतना कर दूं तो पहले खाली आएगा उसके बाद मेरा इफेक्ट चलेगा, इसे भी मैंने कर दिया जीरो, ठीक। स्पीड अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूं, मैं देखता हूं साउंड के साथ क्या हुआ है, आइए सुनते हैं। ठीक है, सिंपल है, अब मैं स्पीड को छेड़ूंगा, सुनते हैं, आप देख रहे हैं वैसे ही वॉबल जैसे कि
डबस्टेप जैसी साउंड्स में, डबस्टेप वाले गानों में हम सुनते हैं वॉबलिंग साउंड होती है ड्रॉप्स पे। राइट क्लिक इसके ऊपर किया, चाहें तो आप कर सकते हैं क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप और अपने हाथ से भी इसको छेड़ सकते हैं, या फिर आप जाएंगे सेट और यहां पर अलग स्टेप्स दिए गए हैं। मैंने किया स्टेप वन, ठीक है, ये स्टेप वन, ये इसकी स्पीड है, कितनी स्पीड के ऊपर वो लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करेगा। एक बन गई, मैंने क्या किया इसके ऊपर गया राइट क्लिक, इसे मैंने कर दिया क्लोन, ये मेरा क्लोन आ गया। राइट क्लिक पियानो रोल, यहां एक लगा दिया है, बाहर आया, बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर मैंने इसको भी राइट क्लिक करके फिर कर दिया क्लोन, एक तीसरा आ गया, राइट क्लिक पियानो रोल, और एक और लगा दिया है। फिर बाहर आते हैं, राइट क्लिक क्लोन, राइट क्लिक पियानो रोल। अब जब हम पियानो रोल में जाते हैं, आप देख रहे हैं पीछे ये भी नजर आ रहे हैं, वो इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि हम सेम पैटर्न के अंदर हैं। अगर अलग अलग पैटर्न में होंगे तो वो नजर नहीं आएगा। एक ही पैटर्न के अंदर मैंने तीन चार साउंडें ले ली हैं। क्लोन क्या कर रहा है, उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा है, उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा है, उसी के जैसा एक क्लोन बना रहा है, ताकि मुझे बार बार वो सब सेटिंग्स ना करनी पड़े जो मैंने अभी की थी, उसी की कॉपी उसने क्लोन करके कर दी है। ये कैसे नजर आ रहा है, यहां जाते हैं हम और हेल्पर्स में होता है मेरा घोस्ट चैनल। घोस्ट मतलब भूत, वो पीछे दिखा देता है कि इस चैनल के अंदर और कहां कहां कौन कौन से साउंड्स हमने सिलेक्ट कर रखी हैं। ठीक है, मैं यहां पर गया राइट क्लिक और पियानो रोल, एक और लगा दिया, बाहर आ गए। सुनते हैं क्या हुआ है फिलहाल। सिर्फ ये चीज हुई है, एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया। अब यहां पर मैं मैजिक क्या क्रिएट करूंगा, ये लिया, इस पे गए, राइट क्लिक, इसको कर दिया मैंने स्टेप टू, तीसरा लिया राइट क्लिक सेट थ्री, चौथा लिया स्पीड पे कर रहे हैं हम, राइट क्लिक सेट फोर। आइए सुनते हैं क्या हुआ। प्रॉपर डबस्टेप वाली फील अगर करनी है तो हम क्या करेंगे, हम यहां से जाते हैं ऊपर, मैंने किया ड्रम्स से मैंने किया किक, एक टाइट किक लेंगे, ठीक है, ये ले लेते हैं, और एक टाइट स्नेर लेंगे, ठीक है, तो ये है LFO। कोई भी आप साउंड बनाएंगे उसको सैम्पलर में ले जाएंगे और उसकी लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन वाली नॉब छेड़ेंगे। अब ये तो हो गया, मैंने कोई भी साउंड बनाई है और मैं सैम्पलर में ले गया, लेकिन क्या LFO सिर्फ सैम्पलर में है? नहीं, बहुत सारे VSTs में, अगर आप देखेंगे आपके इंटरनल VSTs के अंदर भी होता है, हार्मलेस के अंदर भी नॉब होती है, बट मैं आपको एक्सटर्नल दिखाने वाला हूं। हम क्या करेंगे, फाइल न्यू, मैं यहां पर न्यू ले रहा हूं बिल्कुल नया, और कोई भी एक्सटर्नल खोल लेता हूं, लेट्स से चलिए मैं मैसिव खोल लेता हूं। मैसिव की साउंड डिजाइन भी मैं जल्दी बताऊंगा, या तो इसी सीरीज में या फिर एक अलग साउंड डिजाइन की मैं सीरीज सोच रहा हूं शुरू करने की, या उसमें बताऊंगा। तो अभी ये इतनी सारी जो नॉब्स हैं देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप मेनली देखिए LFO लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यहां पड़ा है, तो मैं यहां तक थोड़ा जल्दी से पहुंचता हूं। ठीक है, थोड़ी कट ऑफ छेड़ी, थोड़ी रेजोनेंस क्या है हम बाद में बताएंगे। LFO ड्रैग करके मैंने यहां छोड़ा है, सिंक, आप देख रहे हैं वो ऑसिलेट होना शुरू हो गया। पहले ट्यून सिर्फ थी टी सिंपल, अब वो ट्वाउन साउंड उसकी वॉबल करनी शुरू हो गई है। मैंने यहां सिंक की हुई है, अब मैं यहां पे रेशो, वही जो स्पीड जो हम वहां छेड़ रहे थे, राइट क्लिक करके सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर, यहां भी हम यही करेंगे। मैंने इसे कर दिया टू, चलिए प्रेस करके ही रखता हूं और साथ साथ छेड़ के देखेंगे। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पे,
ये रेशो 1/2 जो है 1/1 अभी फिलहाल। सिंपल LFO लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर आपको कहीं भी ये नजर आता है, कहीं भी आप लाइफ में वॉबलिंग साउंड सुनते हैं उसके पीछे मेन क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स लगते हैं लेकिन दो चीज़ें हमेशा होती है जो उसके ऊपर प्रॉपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती हैं, जो है कट ऑफ और लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। कट ऑफ वही सबसे पहले हमने एक बार फ्रूटी फ्री फिल्टर छेड़ा था, वो आपकी कट ऑफ ही छेड़ता है जो आप अगर आपको याद हो। तो ये है LFO। आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह हो आप चाहें तो मुझे पूछ सकते हैं। मेरा instagram.com/devnextlevel आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी साउंड सुन सकते हैं, मेरे गाने जो अनरिलीज्ड होते हैं मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ। soundcloud.com/devnextlevel यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/devmusic और ये मेरा फेसबुक पेज है facebook.com/devnextlevel। तो मैं कोशिश करता हूँ सबकी 24 घंटे में मैं रिप्लाई करूँ। और दूसरी चीज़, कोई भी मुझे सवाल पूछते हैं तो उसको बिल्कुल टाइट रखिए, आप बिल्कुल जो पूछना चाहते हैं एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछिए, इधर उधर की लंबी बात ना कीजिए क्योंकि अगर एक स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा टाइम लग गया तो बहुत सारे स्टूडेंट मिस हो जाते हैं। तो ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये चार मेरे सोशल प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दी हैं। आज हमने देखा है LFO लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जो डब स्टेप में आपको काम आएगा, ये साउंड डिज़ाइन का हमारा लेक्चर था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट। नमस्ते।